नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, मैंने जैसे कहा था आपके लिए, मैं जल्दी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी लेके आने वाला हूँ और ये स्ट्रैटर्जी बहुत ही अच्छी काम करती है। मैंने इसको बैक टेस्ट किया है हर एक सेक्टर के हर एक स्टॉक के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये स्ट्रैटर्जी का नाम है मूविंग एवरेज प्लस RSI। यहाँ पे मूविंग एवरेज आपने सुना ही रहेगा, जो लाइव मार्केट में काम करते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्होंने सुना रहेगा मूविंग एवरेज और RSI। तो ये दोनों को मिला के हमने एक स्ट्रैटर्जी बनाई है और उस स्ट्रैटर्जी का हम आज आपको वन बाय वन क्या कैसे मार्केट में काम करना है लाइव मार्केट में, वो भी बताऊँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो जो मैं बताने वाला हूँ हर एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही बड़ी लर्निंग दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मूविंग एवरेज हम और RSI दोनों यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाने वाले हैं। ये इंडिकेटर्स है, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको अपना प्राइस एक्शन और स्टडी भी ऐड करके इस स्ट्रैटर्जी के साथ आपको ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, और दूसरी बात, ये स्ट्रैटर्जी हर एक सेक्टर के लिए, हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग काम करती है। वो कौन से पैरामीटर आपको किस मूविंग एवरेज में क्या चेंजेस करने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे महिंद्रा का स्टॉक है, ये ऑटो सेक्टर का है। मैं तीन सेक्टर के स्टॉक्स का आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑटो सेक्टर का देख, यहाँ पे क्लीन चार्ट देख रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आपको बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ पे करना है। इसलिए ये स्ट्रैटर्जी वो बिगिनर्स एज वेल एज जो प्रोफेशनल है, जो जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, वो इस स्ट्रैटर्जी के साथ स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले बात तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके रहेगा, आपको वो ऐड करना है। यहाँ पे आप उसको ऐड करेंगे, वैसे वापस आपको दूसरा भी ऐड करना है, वही सेम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये दो इंडिकेटर। बाद में थर्ड आपको ऐड करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये तीन इंडिकेटर ऐड करने के बाद आपको चेंजेस क्या करने हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखें, ये में आपको 9 दिख रहा है, इधर भी 9 दिख रहा है, ये सेम है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा। ये सेटिंग में हमें चेंजेस करना है, वो चेंजेस क्या करना है वो भी बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपको इनपुट में ये 9 है, इसकी जगह आपको 13 लिख देना है, 13 टाइप करना है, और यहाँ पे 9 की जगह आपको इनपुट्स में 34 डाल देना है दोस्तों, 34। ओके, यहाँ पे स्टाइल में जाना है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों कलर सेम ही इसलिए। ओके, ये दोनों ऐड हो चुके हैं। अभी RSI में आपको वापस सेटिंग में जाना है, ये RSI बेस्ट ये में मूविंग एवरेज रखा है, इसको अनटिक कर देना है क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इनपुट्स में इस स्टाइल में यहाँ पे RSI अपर बैंड, इधर आपको 60 कर देना है दोस्तों, 60। RSI लोअर बैंड इधर आपको 40 कर देना है, 40, और इसका कलर चेंज कर देंगे, ये रेजिस्टेंस करके काम करेंगे, इससे थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, लोअर बैंड को भी डार्क कर देते हैं अलग अलग कलर के साथ। यहाँ पे लाइन मार्क लेंगे दोनों को। ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब सेटिंग्स हमने कर ली। ओके, यहाँ पे सेटिंग्स कर ली, अभी क्या करते हैं दोस्तों। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रैटर्जी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करते, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करते, मतलब अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। ये स्ट्रैटेजी काम करती है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। आपको सिर्फ ट्रेंड पहचानने के लिए आना चाहिए, जो मैं हर बार अपने वीडियोस में बताता हूँ कि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मोमेंटम कैसे कैच करना है, ये विद द हेल्प ऑफ द प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन का भी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद लेके आऊँगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना है मैं ज़रूर शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं कोई भी आपको टारगेट नहीं दे रहा, आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बताएंगे इतना सब्सक्राइबर बनाओ, आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, वैसा कुछ नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा आपके साथ ये वीडियो शेयर करना है ज़रूर करूँगा दोस्तों। जो मैंने बात बताई, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करती है। ओके, तो चलो देख लेते हैं, ये पहली बात हो गई। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जिस दिन ये महिंद्रा एंड महिंद्रा साइडवेज था बहुत दिनों से, स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये साइडवेज था, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में बॉक्स के अंदर काम कर रहा था। जिस दिन इसने ये लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ये लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, उस दिन से ये अप ट्रेंड में चला गया।
ये आपको सिंपल पहचानने के लिए आना चाहिए लाइव मार्केट में, अगर आप मार्केट में काम कर दे रहोगे अप ट्रेंड कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं इसका कितना आपको रिटर्न मिल सकता है विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, वो भी देखेंगे दोस्तों। हाँ, ये दो बात हो गई। तीसरी बात, ये स्ट्रैटेजी को कब अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ साइडवेज होने के बाद जब भी ये 13 का मूविंग एवरेज, ये 13 का मूविंग एवरेज 34 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो आपका वो अप ट्रेंड रहेगा, उस दिन अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। मतलब 13 मूविंग एवरेज आपका अप साइड चाहिए और 34 उसके नीचे चाहिए, ये सिंपल याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस किया उस दिन RSI ऑलमोस्ट 60 के ऊपर था, 60। ये आपको दोनों पैरामीटर, दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। RSI ऑलवेज 60 के ऊपर होना चाहिए, ऑलवेज मतलब ये देखिए 40, RSI का 40 सपोर्ट जोन रहेगा ये 40, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट देगा अप ट्रेंड पकड़ेगा, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, इतना याद रखो, जब भी क्रॉस ओवर देगा। ओके, क्रॉस ओवर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, उस दिन स्टॉक कितने में चल रहा था, मतलब उसका प्राइस क्या चल रहा था, 835 महिंद्रा का, 835 रुपीज महिंद्रा का स्टॉक का प्राइस चल रहा था जिस दिन क्रॉस ओवर दिया उस दिन। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, वापिस नीचे आया। ओके, दो बात हो गई। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अगर जो सेफ ट्रेडर्स रहेंगे, सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सेफ ट्रेडर्स अगर 34 के नीचे आपको रेड क्लोज क्लोजिंग डे का कैंडल मिल गया तो एग्जिट कर देना है, एग्जिट 34 के नीचे। ओके, 34 के नीचे, 34 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आपको रेड कैंडल मिल गई तो आपको क्लोजिंग कर देना है, आपके स्टॉक में से आपको निकल जाना है। सेफ ट्रेडर्स के लिए बोलो, रिस्की ट्रेडर्स स्टॉक में बने रहेंगे जब तक 34 नीचे नहीं आता तब तक, मतलब 34 जब तक, ये 13 को 34 जब तक क्रॉस क्रॉस ओवर नहीं करता तब तक आपको स्टॉक में बने रहना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वापस गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया 34 को, ऊपर गया वापस 34 को रिटेस्ट किया, RSI में स्ट्रेंथ था, RSI अब वो 40, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वापस ऊपर गया 13 को टेस्ट किया, वापस 13 को टेस्ट किया, ऊपर गया। यहाँ पे रिटर्न्स देखिए दोस्तों, रिटर्न्स तो बाद में देखेंगे लेकिन पहले स्ट्रैटेजी पूरा देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया लेकिन हमारा RSI अब 40 था अभी भी। ओके, यहाँ पे देखिए वापस ऊपर आया, यहाँ पे जब भी RSI ने 40 को क्रॉस किया दोस्तों निकल जाना है, वेट नहीं करने का, कल क्या होगा वो छोड़ दो, कल का नहीं सोचेंगे, 40 को क्रॉस कर दिया निकल जाना है, बाद में वो वापस ऊपर आके ऊपर जाने दो, लेकिन हमारा टारगेट हो चुका है, हम स्टॉक में से बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल चुके हैं। यही हमारी स्विंग स्ट्रैटेजी का मतलब एम रहता है कि हाँ कितना परसेंटेज निकालना है उस हिसाब से रहना। अभी यहाँ पे देखिए, जिस दिन RSI यहाँ पे 40 के नीचे गया, हम स्टॉक में से निकले तो हमारी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनी थी दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस कितना था यहाँ पे, मैं वो भी आपको आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको आपके रिस्क के हिसाब से लगाना है, अगर आप ये कैंडल 3 बार कैंडल का अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या 34 को जैसे ही क्रॉस करेगा उस दिन मैं निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री की 824 के रेट से, 824 के रेट से एंट्री की, स्टॉप लॉस मेरा ये था, स्टॉप लॉस हमारा था लगभग 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट आपका टारगेट यहाँ पे हमने एग्जिट किया ऑलमोस्ट 52%, कितने दिनों में, कितने दिनों में वो भी देखिए, यहाँ पे देखिए 52% आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, 52% स्टॉक में आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 52, 430 पॉइंट्स अगेंस्ट 30-40 पॉइंट स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ पे हमने एग्जिट किया, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई 12 मई को, और लगभग हमने जब भी में 5-6 महीने के अंदर आपने अगर 10 हज़ार इन्वेस्ट किया रहेगा तो 10 हज़ार का आप देखिए कितना हो गया, 52% रिटर्न आपको मिल गया स्टॉक में। हमने 840 के रेट से एंट्री की थी, 840, 940, 1000, लगभग 600, 500 रुपये का आपको यहाँ पे पर शेयर गेन मिला है दोस्तों।
अगर स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपका है 6 महीने तक, 1 साल तक रहेगा स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म। अगर आपका मिड टर्म रहेगा, मिड टर्म ट्रेडिंग रहेगा वो 2 साल तक जाएगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपका 5 साल तक जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं वही आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे साइडवेज हो गया, हम यहाँ से निकल गए, जब भी यहाँ पे RSI ने 40 के नीचे क्रॉस दिया हम निकल गए यहाँ पे, ओके यहाँ पे निकल गया, वहाँ पे साइडवेज हुआ, वापस ऊपर गया, छोड़ दो हम स्टॉक में से निकल। लेकिन जिस दिन वापस यहाँ पे आए दोस्तों, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि रिस्की ट्रेडर जब तक क्रॉस ओवर नहीं मिलता तब तक, यहाँ पे 13 नीचे आ गया, 34 ऊपर आ गया, मतलब 13 ने 34 को काटा यहाँ से, और वहाँ से उसका डाउन ट्रेंड वापिस चालू हो गया। यहाँ पे देखें, ये वापिस 40 को टेस्ट किया, नीचे आया, ये नीचे ही रह गया, और वापिस ये स्टॉक कौन से लेवल पे आया, 1130 के आसपास आया, जैसे कि हमने उसी 1250 के यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। वापिस ये स्टॉक अभी देखोगे आप तो अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, अभी फिलहाल तो अप ट्रेंड में दिख रहा है। आप लाइव मार्केट में यहाँ पे देखिए, 40 को उसने क्रॉस किया, वापिस उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, स्ट्रेंथ दिखने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, क्रॉस ओवर हो चुका है 13, वापिस रिटेस्ट किया, अभी वापिस ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर इसने 30-34 को रिटेस्ट करके यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी तो हायर लेवल्स 1500 तक दिख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आपके सामने सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की, अभी आप लाइव मार्केट में जरूर इसको देखिए। यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे ही दिया है 13 का, 34 को रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, हो सकता है यहाँ तक आ सकता है। जिस दिन यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल मिल गई, RSI आपका 40 के ऊपर है, बिन आप एंट्री जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना भी थोड़ा उसमें एनालिसिस डाल के, थोड़ा स्टडी करके आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। दोस्तों ये हो गया ऑटो सेक्टर का महिंद्रा महिंद्रा। वैसे मैं आपको IT सेक्टर और मेटल सेक्टर का दिखाना चाहता हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको सेटिंग करके रखा है, वो सेटिंग क्या करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम इन्फोसिस में जाते हैं दोस्तों, अभी इन्फोसिस में RSI का सेटिंग सेम रहेगा दोस्तों, RSI का सेटिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ मूविंग एवरेज का सेटिंग चेंज होगा, क्योंकि स्टॉक के हिसाब से मूविंग एवरेज काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस के स्टॉक में मैंने क्या सेटिंग किया है। ओके तो यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट EMA को रखा है 20, जबकि हमने महिंद्रा महिंद्रा को उसमें 13 रखा था, और सेकेंड EMA को हमने 34 रखा था, यहाँ पे मैंने 50 रखा है 50। ओके क्योंकि ये 20-50 को इन्फोसिस काम कर रहा है, 20-50 को महिंद्रा महिंद्रा काम करेगा क्या? नहीं करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उसको क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो बैक टेस्टिंग किया है दोस्तों, उसी हिसाब से आपको देखना है। ओके अभी इन्फोसिस का भी देख लेते हैं, वही दिखाता हूँ आपको। RSI का सेटिंग सेम रहेगा, RSI का कोई भी चेंजेस नहीं, आपको सेटिंग में सिर्फ जाना है, यहाँ पे इनपुट्स में आपको 20 लिखना है, और यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको इनपुट्स में पहले AMA को आपको 20 करना है, और दूसरे यहाँ पे मैंने 20 ऑलरेडी करके रखा है। ओके दूसरे में आपको वापस सेटिंग में जाना है, यहाँ पे 50 करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना, स्टाइल में जाके कलर चेंज कर देते, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अभी मैंने वापस बोला है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करती है, तो ये वापस आपको मैं वही दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, ये बॉक्स के अंदर इन्फोसिस काम कर रहा था बहुत दिनों से। ओके ये बॉक्स के अंदर काम करने के बाद एक साइडवेज मोड में था, साइडवेज मोड होने के बाद जब भी इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इन्फोसिस बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में काम करने लगा, और उस हिसाब से देखोगे तो आप ये स्ट्रैटेजी बहुत ही काम किया है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस दिन 13 ने 34 को काटा, या जिस दिन 13 ने 34 को काटा, यहाँ पे उस दिन RSI कितना था वो भी देखते हैं। यहाँ पे RSI था लगभग 54। ओके यहाँ पे RSI ने काटा, और जिस दिन वापिस रिटेस्ट किया, यहाँ पे 60 और 50 के बीच में RSI था,
यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऊपर गया, वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बंदी। जिस दिन क्रॉस ओवर किया, ऊपर गया कंफर्मेशन, जब सेकेंड टाइम आता है और रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल बनाता है, तो डेफिनेटली एंट्री बना लीजिए दोस्तों, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा, उसमें रिस्क बहुत कम ही रहता है, क्योंकि 34 के नीचे क्लोज दे दिया, निकल जाना है, कोई उसका रहने का मीनिंग ही नहीं। और स्टॉप लॉस सिंपल है, 34 के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस, या तो 34 ने 13 को काटा, निकल जाओ, उसमें आपका जो भी कुछ रिस्क रहेगा वो मिनिमम रहेगा, लेकिन टारगेट्स बड़े रहेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आप देखोगे हमारी एंट्री लगभग 7:14 को यहाँ पे एंट्री बनी। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, 7:14 को एंट्री बनने के बाद वापिस इन्फोसिस ऊपर गया, 20 को इसने, सॉरी यहाँ पे 13:24 बोल रहा हूँ मैं, 20 और 50, वो महिंद्रा महिंद्रा का थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 20 और 50, यहाँ पे इसने 20 को टेस्ट किया, वापिस ऊपर गया, 20 को टेस्ट किया, वापिस ऊपर गया, ये तो 50 तक आया ही नहीं, 20 को ही टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। देखिए आप, वापिस इसने 20 को टेस्ट किया, यहाँ पे 20 को टेस्ट किया, ऊपर गया, वापिस ये फर्स्ट टाइम 50 को आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, 50 को टेस्ट किया, ऊपर गया, 50 को टेस्ट, यहाँ पे 20 को टेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, ओके साइडवेज हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी 40 के नीचे हमें RSI ने क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम स्टॉक में बने रहेंगे। वापिस यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20 को टेस्ट किया, ऊपर गया, 20 को टेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे 50 को टेस्ट किया, ऊपर गया, 50 को, यहाँ पे भी देखना है दोस्तों RSI का, 40 के नीचे हमें क्लोजिंग जिस दिन मिलेंगे हम निकल जाएंगे। देखिए किस दिन हमें RSI में 40 के नीचे क्लोजिंग मिला, उस दिन हम RSI के हिसाब से काम करेंगे। इस दिन हमने स्टॉक में से किस दिन बोल लेंगे हम यहाँ पे, हाँ यहाँ से स्टॉक में से हम निकल गए दोस्तों, इस लेवल पे RSI ने नीचे क्लोजिंग दे दिया, हम निकल गए। अभी यहाँ पे देखोगे आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिला वो भी देख लेते दोस्तों, हमने एंट्री कहाँ पे की थी। अगर आपको ये मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी पता रहेगा, तो आपने एंट्री कहाँ पे की वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लगभग आपने एंट्री किया रहेगा, ठीक है, 600 725 के आसपास आपने एंट्री किया दोस्तों, और हमारा स्टॉक गया लगभग यहाँ पे 1700 1800 के आसपास, 1000 1000 रुपीज़। कितने टाइम पीरियड में दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे जून 20 से लेके, मतलब 1.5 साल में आपको यहाँ पे आपका 1000 रुपीज़ पर शेयर स्टॉक डबल हो गया, 100% रिटर्न दोस्तों, 100% 100% रिटर्न आपको स्टॉक में मिला है इन्फोसिस के, अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। अगर पता रहेगा, फॉलो किया नहीं रहेगा, अगर अभी पता चल रहा है आगे फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक मार्केट तो चलने वाला है। ओके तो दोस्तों इन्फोसिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस हिसाब से, RSI और मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। इसमें यहाँ पे हमने 20-50 लिया। अभी थर्ड स्टॉक में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, थर्ड स्टॉक है हमारा मेटल सेक्टर का टाटा स्टील। ओके टाटा स्टील का भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे टाटा स्टील में हमने क्या किया है, क्या चेंजेस किए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ओके RSI सेम रहेगा, RSI में कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, RSI में हमारा जो इंफोसिस महिंद्रा महिंद्रा वही RSI में सेटिंग रहेगा, लेकिन मूविंग एवरेज में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा हैंग हो चुका है दोस्तों, 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने इन्फोसिस में 20-50 लिया था, यहाँ पे पहला हमें 20 लेना है और दूसरा 44 लेना है, 44 या फिर 44 लेना है। तीनों स्टॉक में अलग अलग सेटिंग है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा रहेगा। तो यहाँ पे वापिस स्ट्रैटेजी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही काम करेगी, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी, उसी हिसाब से आपको ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। ओके अभी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जिस दिन
ट्वेंटी ने 44 को क्रॉस किया, जिस दिन 20 ने 44 को क्रॉस किया उस दिन से इसका अप ट्रेंड चालू हो गया। चार्ट रिसेट हो गए शायद से वापस। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा नेटवर्क का इशू दिख रहा है आज। जैसे 44 को क्रॉस करता है यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो जाता है दोस्तों। चार्ट थोड़ा रिसेट हो गया। ओके चार्ट रिसेट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखते हैं कैसे ये स्ट्रैटेजी ने भी, कैसे ये पैरामीटर्स ने काम किया है दोस्तों। यहाँ पे देखोगे आपको, अब मैं बताना चाहूँगा, ये वापस साइडवेज मार्केट था, साइडवेज था स्टॉक। जिस दिन ब्रेकआउट, रिटेस्ट ब्रेकआउट, इस दिन हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे क्रॉस ओवर दे दिया 20 ने 44 को। यहाँ पे RSI भी अबो 60 था। मैं दोनों इंडिकेटर मिला कर ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, एंट्री पॉइंट था लगभग लगभग हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा यहाँ पे 30 या 32 के आसपास। ओके यहाँ पे 32 के आसपास हमने एंट्री की। वापिस यहाँ पे देखोगे ये 20 को टेस्ट किया, वापिस 20 को टेस्ट किया। अभी यहाँ पे देखोगे आप दोस्तों, 32 के आसपास एंट्री करने के बाद स्टॉक 44 तक, 43 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट आपको 50% रिटर्न यहाँ पे मिल गया। ओके वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन हमें RSI नीचे गया, ओके RSI यहाँ पे गया, ओके RSI 44 के नीचे क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, तभी स्टॉक था 40 के रेट पे चल रहा था। हमने 32 के रेट पे एंट्री की, 40 के रेट पे हमें निकलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। वापिस देखते हैं क्या बना आगे जाके, सिनारियो इसमें क्या बना। यहाँ पे वापिस दोस्तों, सेकंड, कुछ नेटवर्क और चार्ट का प्रॉब्लम दिख रहा है। ओके नो इशू। यहाँ पे वापिस इसने 20 ने क्रॉस किया 44 को, जैसे ही 20 ने काटा यहाँ पे वापस RSI वो 60 था या 60 के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, आपको क्लियरली अप ट्रेंड में है स्टॉक। यहाँ पे हमने 38 के आसपास एंट्री किया, वापस गया 20 को टेस्ट किया, वापस ऊपर 44 को टेस्ट किया, वापस ऊपर। यहाँ पे नीचे RSI भी हमें देखना है, इसलिए मैं वापस आपको ध्यान देख मतलब याद करवा के दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर नहीं देखना है, दोनों को मिला के चलना है। वापिस आप यहाँ पे देखोगे अप ट्रेंड, अप ट्रेंड यहाँ पे देखो, नहीं 40 के नीचे नहीं, तब तक बने रहना है, तब तक बने रहना। ओके फाइनली फाइनली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें 40 के नीचे क्लोजिंग मिल गई दोस्तों। यहाँ पे 40 के नीचे क्लोजिंग मिली, हमने किस रेट पे एंट्री की थी, 38 के रेट पे एंट्री किया था, और हमने स्टॉक को निकाला लगभग 40 यहाँ पे 124 के रेट पे निकाला दोस्तों। 120 पकड़ लीजिए, 3 गुना आपका प्रॉफिट हो गया भाई, 3 गुना। 40 के रेट पे भी एंट्री किया रहेगा आपका, 120, 3 गुना हो गया दोस्तों, क्या चाहिए। और टाइम पीरियड कितना है दोस्तों, टाइम पीरियड आप देखो यहाँ पे, कभी यहाँ पे हमने एंट्री किया था, हमने एंट्री यहाँ पे वापस क्रॉस ओवर होने के बाद किया था यहाँ पे, कभी यहाँ पे किया था, मतलब अक्टूबर 20 में हमने अगर एंट्री किया रहेगा तो यहाँ पे आप देखोगे, तो हमने यहाँ से एग्जिट किया अक्टूबर 20, 1 साल के अंदर 3 गुना पैसा हो गया, किधर भी नहीं मिलेगा दोस्तों। कोई भी बैंक नहीं देगी, कोई भी आपको मतलब बड़े बड़े बोल देना इस स्कीम में डालो आपका पैसा 4 साल में 2 गुना हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, लेकिन इधर 1 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अभी मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको हर एक सेक्टर का स्टॉक निकलना है, और ये जो 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर मैंने सेटिंग में बताया है, पहला 13 34, दूसरा 20 50 और 20 44, ये तीनों मूविंग एवरेज के इनपुट्स आपको डाल के आपको हर एक स्टॉक का टेस्ट करना है, वो किसको वर्क कर रहा है, किस मतलब कौन से मूविंग एवरेज को ये काम कर रहा है।
और उस हिसाब से आपको आपके स्टॉक में एक एक्सेल शीट बना के रखनी है और उसमें लिखना है भाई इन्फोसिस 1334 को काम करता है, मुझे इतना पता है, या महिंद्रा 1334 को काम करता है और इन्फोसिस 2050 को काम करता है, इतना मुझे पता है। उस हिसाब से मैं ये ट्रेड में ऐसे एंट्री करूंगा, जिस दिन 30 फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस 20 क्रॉस करेगा 44 को, मैं उस दिन एंट्री लूंगा और यहाँ से अगर नीचे आ गया तो मैं उसका एसएल लेके निकल जाऊंगा। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आप टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, वो बाद में आप एंट्री कर सकते हो। मैंने तो इस स्ट्रैटेजी से बहुत कुछ, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में मैंने बहुत कुछ इसमें से पैसा कमाया है, इसलिए सोच रहा था कि अगर मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी काम आएगा। तो दोस्तों ये ज़रूर ये वीडियो बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा जो जॉब करते रहेंगे, कोई किसी कोई हाउस हाउसवाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लेडी हाउस मतलब घर पे काम करती है, जिनकी बीवी घर पे काम करती है, जॉब नहीं करती, वो उसके लिए भी स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ इस पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।